मैं अनुश्री भारद्वाज सुरागला न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख खबरों पर। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने किया शौर्य संचालन का आयोजन। दो बाइकों की भिड़ंत में 3 लोग घायल। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। अवैध रूप से संचालित हो रहे क्लिनिक और अस्पतालों पर हुई छापेमारी। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय की छात्रा के साथ अश्लील हरकत होने के मामले से गुस्साए छात्र छात्राएं बैठे धरने पर। अब खबरें विस्तार से। बाजपुर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा शौर्य दिवस के उपलक्ष्य में शौर्य संचालन का आयोजन किया गया। यह यात्रा सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय से प्रारंभ होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए वापस विद्यालय में ही समाप्त हुई। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। भविष्य को खतरे में डालने एक अकेला जिसने एक जगह झगड़ा हुआ। संपूर्ण जिले भर से हिंदू युवाओं को आह्वान किया है बजरंग दल के माध्यम से और हजारों की संख्या में आज युवा साथी यहाँ एकत्रित हैं और शौर्य संचलन निकाल कर समाज को ये संदेश देना है जो 1992 के बाद की जिनकी जन्मतिथि है, जो आने वाली पीढ़ी है, वो राम मंदिर को कदापि पिकनिक स्पॉट ना समझें। उनको ध्यान में रहे त्याग बलिदान और समर्पण की एक गाथा है, इसका स्मरण दिलाने के लिए शौर्य संचलन का आयोजन किया है और अपने सभी युवा इसमें बढ़ चढ़ के प्रतिभाग कर रहे हैं। राम मंदिर की तरफ पुनः कोई गलत निगाह से ना देख पाए, बाबर के सेनापति मीर बाकी की तरह फिर से कोई राम मंदिर को छू ना पाए, खंडित करना तो दूर की बात है। ये जज्बा प्रत्येक हिंदू युवा के अंदर पनपता रहे, इसलिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। जसपुर क्षेत्र में पतरामपुर हाईवे पर मेघावाल गांव के सामने 2 बाइकों की भिड़ंत हो गई, जिसमें 3 लोग घायल हो गए जिनको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि घायलों में से 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। इसमें भी ना आया भैया, फोन कर दिया। देर रात जसपुर क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। इस कारण लाखों का सामान जलकर राख हो गया। गनीमत रही कि कोई जान माल की हानि नहीं हुई है। वहीं दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। ये तो कह नहीं सकते, मगर ये है कि दुकान तो हमने ठीक ठाक बंद करी है। बंद करने के बाद किस वजह से आग लगी इसका कहना मुश्किल है, क्योंकि लाइट तो बंद थी दुकान की सारी की सारी, और लगभग 80% माल जल चुका है। दुकान में जो बचा था वो पानी से ख़राब हो चुका है। दुकान में जो माल जला है लगभग 4 से 5 लाख का कोयला हुआ हुआ है, क्या बाकी जो बचा हुआ है वो सब भीगा हुआ है माल। इलेक्ट्रॉनिक 11:50 पर सूचना आई कि जसपुर में बाजार चौकी के अंतर्गत बिस्मिल्ला मैरिज हॉल के सामने आग लगी हुई है, जो कि बैटरी की दुकान की सूचना में थी। तो तुरंत मैं और एक वाहन, 2 वाहन लेके अपने कर्मचारियों को लेके तुरंत घटनास्थल पहुँचे। देखा तो वहाँ पर आग लगी थी, दुकान का शटर कुछ लोगों द्वारा खोल दिया गया था। तुरंत हमारी गाड़ी द्वारा पंपिंग करके आग को पूर्ण रूप से बुझाया गया और आग से कोई जनहानि नहीं हुई। त्वरित कार्रवाई करते हुए हमने आग को बुझा लिया, नहीं तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। रामनगर के वन प्रभाग तराई पश्चिमी के ट्री हाउस में पर्यटक रात्रि विश्राम का लुत्फ उठा पाएंगे। कल रामनगर के ट्री हाउस का लोकार्पण होने जा रहा है, जिसके चलते ट्री हाउस की बुकिंग अभी से शुरू हो चुकी है। बता दें कि रामनगर वन प्रभाग तराई पश्चिमी के अंतर्गत पड़ने वाला फोटो पर्यटक जोन अब एक और नई पर्यटक सफलता हासिल करने जा रहा है। कल हेड ऑफ फॉरेस्ट विनोद कुमार सिंगल ट्री हाउस का लोकार्पण करेंगे, जिसके बाद पर्यटक ट्री हाउस में रात्रि विश्राम का लुत्फ उठा पाएंगे। संवाददाता कैलाश वेल की रिपोर्ट। ये पार्ट हमारा जो फाटो इको टूरिज्म जोन है, वहाँ पर एक ट्री हाउस बनाया गया है और वो ट्री हाउस ऐसा है कि उसमें एक अंदर ऊपर एक कमरा है, पूरी सुविधाओं के साथ लैस है। उस ट्री हाउस में जो कमरा है उसमें रात्रि विश्राम के लिए हम लोगों ने बुकिंग प्रारंभ कर दी है और वो हमारे कल उसका जो है लोकार्पण हमारे प्रमुख वन संरक्षक महोदय हॉफ साहब उनका सिंगल साहब के द्वारा किया जा रहा है और उसमें वहाँ पे हमारे क्षेत्रीय विधायक माननीय श्री दीवान सिंह बिष्ट भी उपस्थित रहेंगे। तो और इन सारे सभी गणमान्य लोगों की उपस्थिति में कल उसका हम लोग शुभारंभ करने जा रहे हैं। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते।
पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। आप लोगों को करीब लगा। उधम सिंह नगर जिलाधिकारी युगल किशोर पंत के निर्देशन पर अवैध रूप से चल रहे क्लिनिक और अस्पतालों पर छापेमारी की जा रही है। इसी क्रम में जसपुर क्षेत्र में भी उपजिलाधिकारी जसपुर सीमा विश्वकर्मा एवं CHC अधीक्षक हितेश शर्मा के नेतृत्व में स्वास्थ्य एवं स्थानीय प्रशासन की टीम ने अवैध रूप से चल रहे क्लिनिक और अस्पतालों में छापेमारी की। लगातार ये हॉस्पिटल में की अनियमितता की शिकायत आती जा रही थी, तो उसमें आज रेवेन्यू डिपार्टमेंट और मेडिकल डिपार्टमेंट के द्वारा एक संयुक्त जांच की गई थी, जिसमें कि हमारे द्वारा 3 हॉस्पिटल की जांच की थी, जिसमें कि सेवा हॉस्पिटल, ग्रीन सिटी हॉस्पिटल और जनता हॉस्पिटल का यहाँ पर निरीक्षण किया गया था। कि तो जो 2 हॉस्पिटल हैं, सेवा हॉस्पिटल और ग्रीन सिटी हॉस्पिटल, उसमें थोड़ी सी अनियमितता पाई गई थी, तो उन दोनों को हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है। और क्योंकि जनता हॉस्पिटल में कोई पेशेंट नहीं था और तो उनके डॉक्यूमेंट चेक किए तो सही पाए गए थे, लेकिन फिर भी उनको एहतियात के रूप में कुछ चेतावनी दी गई थी कि आगे से जो भी है वो काम अपना ठीक से रखेंगे और अगर दोबारा जांच में कोई अनियमितता पाई जाएगी तो उसको भी सील कर दिया जाएगा। हाँ, इसमें अभी तो केवल 3 ही करा कि क्योंकि इसमें जो हमारा हमने सोचा था कि काफ़ी ज़्यादा करेंगे, लेकिन उनको सूचना मिल चुकी थी और वो काफ़ी बंद हो गए थे, तो ऐसे औचक हम लोग करते रहेंगे। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय की छात्रा के साथ अस्पताल के डॉक्टर द्वारा अश्लील हरकत करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले पर पीड़िता ने पुलिस को तहरीर सौंपी थी, जिस पर आरोपी डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। वहीं आज कॉलेज प्रशासन पर छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा, जब छात्रों ने एक सप्ताह से मामले में हिलावाली का आरोप लगाते हुए अस्पताल गेट के बाहर धरना प्रदर्शन किया। वहीं आपको बता दें कि गुस्साए छात्र छात्राएं सेमेस्टर एग्जाम को छोड़ धरने पर बैठे हुए हैं। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। पॉलिसी है कि यूनिवर्सिटी पहले तो अकाउंटेबल हो अपने इस चीज़ के, उनने इतने दिन पुलिस को इस केस से पहुंचने में दूरी करी है। ये तो साफ है कि यूनिवर्सिटी की वजह से पुलिस अभी तक इस केस तक का पहुंच नहीं पाई है। सेकंड चीज़ ये है कि कमिटी ये इंश्योर करे कि स्टूडेंट्स की प्रोटेक्शन हो इस तरीके से कि स्टूडेंट की बॉडी बने। हर साल कोर्ट में जो स्टूडेंट की एक बॉडी है इस प्रोटेक्शन मैटर में वो हो, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एम्प्लॉय सब कॉलेज में सब इन्वॉल्व हो, और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और जो पुलिस अथॉरिटी है ना वो कंप्लीट कांटेक्ट में हो बच्चों के। शाम को हमें सोशल मीडिया और व्हाट्सएप द्वारा कुछ चीज़ें संज्ञान में आई कि एक लड़की है, पंतनगर यूनिवर्सिटी का बीटेक का छात्रा है, उसके साथ जो है बहुत ही घिनौनी हरकत हुआ है। एक पंतनगर का डॉक्टर द्वारा बहुत ही घिनौनी हरकत किया गया है चेकअप के नाम पे, जो तकनीकी रूप से वो बहुत ही घिनौनी हरकत था और 376 के परिभाषा में आता है। तत्काल हमने जो है हमारा जो लेडी CO है, हमारा महिला ऑफिसर है अनुषा, और उसके साथ महिला टीम को भेज के विक्टिम के पास भेजा, उसको रीअश्योर किया और उसके साथ काउंसलिंग करा, उसके पूरा घटनाक्रम जाना। तो घटनाक्रम जानने के बाद तत्काल पता चला कि शी वांट्स पुलिस एक्शन इन दैट, उसको पुलिस की कार्रवाई चाहिए, FIR चाहिए, पुलिस की कार्रवाई चाहिए करके इमिडिएटली उसने एक अप्लीकेशन भी ड्राफ्ट करके हमको दे दी। तो इस अप्लीकेशन के आधार पर कल शाम को ही FIR नंबर 235/2022 अंडर सेक्शन 376(2) सब क्लॉज F, 376(2) सब क्लॉज E, 354 और 504, इसमें हमने इमीडिएटली रजिस्ट्रेशन कर लिया और तुरंत जो है पकड़ धकड़ की कार्रवाई के लिए विभिन्न टीमें बना दिया हमने। एक तरफ हमारी 4 टीमें अलग अलग जगह जो है जो उस मेन अभियुक्त के पकड़ धकड़ के लिए लगी हुई है, शीघ्र ही हमारा आशा है कि जल्दी गिरफ्तारी हो जाएगी, इमीडिएट हो जाना चाहिए। सेकेंड, दूसरी तरफ जो है पीड़िता को, मतलब इस बहुत इंपॉर्टेंट विवेचना को देखते हुए, हमने सीनियर इंस्पेक्टर मंजू पांडे को नामित किया है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के तौर पे। मंजू पांडे बहुत ही सीनियर इंस्पेक्टर है, वो पीड़ित के साथ है, अभी पीड़ित के परिवार के साथ है, पीड़ित के परिवार में पीड़िता के साथ रह के पीड़िता के परिवार को भी कॉन्फिडेंस में लेके उनकी मौजूदगी में 161 किया गया है।
161 के बयान पीड़िता के परिवार की मौजूदगी में किया गया है। इसके बाद मेडिकल की कार्रवाई किया जा रहा है और आज ही 164 भी करवाएंगे। तो इस प्रकार दोनों कार्रवाइयाँ लगातार चल रहे हैं, पकड़ दकड़ भी और पीड़िता का बयान और इन्वेस्टिगेशन वाला कार्रवाई भी पैरेलली चल रहा है और फास्ट गिरफ्तारी होगी और बहुत जल्द मैं इसको इन्वेस्टिगेशन को वाइंड अप करके सख्त से सख्त सजा के लिए हम सिफारिश करेंगे। रामनगर वन प्रभाग के अंतर्गत पड़ने वाले सीतावनी जोन को लेकर ग्रामीण व कॉर्बेट वेलफेयर एसोसिएशन आमने सामने आ गए हैं, जिसको लेकर विभाग के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई है। बता दें सीतावनी जोन में लिमिटेशंस को बरकरार रखने के पक्ष में दर्जनों ग्रामीणों ने भंडार पानी गेट पर क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है। संवाददाता कैलाश सोहल की रिपोर्ट। एक दो तीन चार बंद करो। ग्रामीण एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। ग्रामीण एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी लिमिटेशन को लेके ही है, हमने देखो साहब के संज्ञान में पहले भी डाला है कि लिमिटेशन नहीं होने की वजह से स्थानीय ग्रामीण को बहुत दिक्कत होगी, तो लिमिटेशन उन्होंने हमारी बात मानी और लिमिटेशन बरकरार रखी है। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि फिर वो लिमिटेशन को हटाने का जो है उनके प्रयास चल रहा है, तो उनसे अभी हमारा अनुरोध है कि लिमिटेशन हट जाए, जो लिमिटेशन उन्होंने करी है उसको यथावत रखें, उससे स्थानीय ग्रामीणों में भी राहत की सांस ले रहे हैं और अगर लिमिटेशन हटाई गई तो यहाँ अराजकता होगी और हम टेढ़ा गेट बंद कर दें, उसका सारा जिम्मेदार जो है प्रशासन होगा। हमारे बहुत टाइम से यहाँ पर जो डिमांड है, एक तो जहाँ ग्रामीणों को जो सीतावनी पर्यटन जोन है यहाँ पर जो जिप्सियों का लिमिटेशन नहीं हो पा रहा है, 200-300 गाड़ियाँ यहाँ पर आती हैं एक स्लॉट में, मॉर्निंग में इवनिंग में, फिर यहाँ पर क्या होता है जाम की स्थिति बनी रहती है, ग्रामीणों को कई बार जाम से गुजरना पड़ता है, कई बार यहाँ पर एम्बुलेंस फंस जाती है, आपने पहले भी देखा होगा, तो एक तो ये समस्याएं बनी रहती हैं, हमेशा जाम रहता है और PWD की रोड में यहाँ पर जो जिप्सियाँ खड़ी रहती हैं उनसे जूझना पड़ता है। मंडी जब हमारे यहाँ से निकलते हैं लोग सुबह तो वो गाड़ियाँ फंस जाती हैं, टाइम पर नहीं पहुँच पाती हैं वहाँ, तो एक मेन समस्या ये है। दूसरा ये है कि यहाँ के जो ग्रामीण ने हमारे युवा साथी हैं उनको रोजगार से जोड़ने का हमने जो है आगे शासन को लिखा था कि हमें भी प्राथमिकता दी जाए, जो हमारा पावलगढ़ कंजर्वेशन है इसमें हमारे युवाओं को जो है नेचर गाइड हो या वर्ड वॉचिंग हो या फिर जिप्सी के परमिट हो उसके लिए यहाँ पर प्राथमिकता दें और उनको भी यहाँ से रोजगार से जोड़ा जाए। फिलहाल के लिए बस इतना ही, उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागी लाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।